मथुरा जनपद में दिनों दिन जाम की समस्या बनती जा रही है। हालात यह है कि प्रदेश भर में जगह जगह से बड़े बड़े शहरों से यही शिकायत मिल रही है कि जाम का जाम शहरों की स्थिति बिगाड़ रहा है, लोग जाम से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार भी चाहती है कि समस्या से जनता को किसी प्रकार से निजात दिलाई जाए। इसके लिए अब उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में यातायात व्यवस्था से जुड़ी जानकारियां हासिल की जा रही है, जिनमें शहरों में कितने टूर एंड ट्रेवल्स है। इस संबंध में मथुरा जनपद को शासन से पत्र प्राप्त हो चुका है और उसे अब नगर निगम के माध्यम से क्षेत्र में भिजवाया जा रहा है, जिससे जानकारी हासिल की जा सके कि शहर भर में कितने टूर एंड ट्रेवल्स कार्य कर रहे हैं, उनके पास क्या पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं। शहर में लगातार बढ़ रहे जाम के जाम से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए नए रोजाना नियम कायदे कानून लागू किए जाते हैं, लेकिन शहरों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व में ही सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखे गए हैं कि शहर के मुख्य मार्गों से ई रिक्शा हटाए जाएंगे, लेकिन अभी उनमें कोई दूर दूर तक उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन वहीं दूसरी ओर 21 अक्टूबर को आदेश आया था कि उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से सभी जिलाधिकारी को कि शहर भर में जितने भी ट्रैवल्स हैं, टूर एंड ट्रैवल्स हैं, जो कि गाड़ियों का काम करते हैं किराए पर देने का, उनका निरीक्षण किया जाए, यानी देखा जाए कि कितने शहर में रजिस्ट्रेशन हैं टूर ट्रैवल्स के और उनके पास कितनी गाड़ियां हैं। क्योंकि ज़्यादातर टूर ट्रैवल्स के पास ऑफिस तो हैं, लेकिन उनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में शहर भर से अब सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। ये लेटर नगर निगम के अधिकारियों को पहुंच चुका है। इसके साथ साथ आरटीओ विभाग भी इसमें अपनी भूमिका निभाएगा और जनपद में जितने भी टूर एंड ट्रेवल्स हैं उन सब की जानकारी एकत्रित करेगा। इसके साथ साथ जानकारी का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि जो टूर ट्रेवल्स कंपनियां हैं, क्या उनके पास अपनी पार्किंग की खुद की जगह है या नहीं। अन्यथा की दृष्टि में क्या वे सभी लोग किसी सार्वजनिक स्थान पर अपनी गाड़ियों को खड़ा करते हैं, ऐसा भी उसमें अनुमानित लगाया जाएगा। यदि उनके पास प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है ट्रेवल्स कंपनी के पास, ट्रेवल्स एजेंसी के पास, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा उनसे कहा जाएगा कि पार्किंग की व्यवस्था करें। किसी भी जगह पर रोड पर उनकी गाड़ी खड़ी नहीं होगी जिससे कि सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध हो। इस आदेश के बाद हालांकि ट्रेवल संचालकों को इस आदेश की अभी कम जानकारी है, लेकिन अंदर खाने तैयारी चल रही है कि आरटीओ विभाग और नगर निगम के माध्यम से, नगर पालिकाओं के माध्यम से इसका सर्वे एकत्र किया जाएगा और शहर शहर में और कस्बे में जाकर के देखा जाएगा कितने ट्रेवल्स एजेंसियाँ चल रही हैं, जिससे कि जानकारी हासिल हो सके कि उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं तो उनकी पार्किंग की व्यवस्था कहाँ है। यदि वो सड़क पर खड़े करते हैं या फिर सार्वजनिक चौराहे पर खड़े करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई का मन अब प्रशासन बना रहा है, जिससे शहरों में लगातार जो जाम के जाम बनते जा रहे हैं उससे निजात मिल सके। हालांकि अभी तक मथुरा वृंदावन के लोग ई रिक्शे के आतंक से भी निजात नहीं पा पाए हैं। अपने साथी पीके दुबे के साथ रवि यादव। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।